हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तन्मेश खड़ंगा द मेडिको ब्लॉगर। और फाइनली आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पीआरएम मेडिकल कॉलेज एंड एफएम मेडिकल कॉलेज। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अवेटेड वीडियो था, मेरे सब्सक्राइबर्स को देखना चाहते थे बहुत दिन से। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स उसमें यू वांटेड टू सी द डिफरेंस। फाइनली मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ आफ्टर ए लॉन्ग वेट। और मैं कुछ दिनों से कहीं गायब हो गया था। एक्चुअली मेरा इंटरनल चल रहा था, थर्ड इंटरनल एग्जाम, सेकंड ईयर का फाइनल्स भी होने वाले हैं एक महीने में। तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम है वीडियो बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम्स बहुत कुछ है। उसी वजह से मैं थोड़ा इरेगुलर हो गया हूँ अभी। और आफ्टर ऑल पढ़ाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू। फिर भी मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बातें बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं अबाउट द डिफरेंसेस। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं 10 पॉइंट्स। तो जो 10 पॉइंट्स है अबाउट द डिफरेंस, इस 10 पॉइंट्स के अंदर मुझे लगता है आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एट नंबर 1, एकेडमिक्स। तो पीआरएम और एफएम के बीच में एकेडमिक में क्या डिफरेंस है? भाई एकेडमिक्स में पीआरएम और एफएम में पढ़ाई दोनों का सेम है। इवन हर मेडिकल कॉलेज इंडिया का 2019 बैच ऑनवर्ड्स सारे कॉलेजेस में सेम पढ़ाई होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। हर कॉलेज में सेम दिन हर एक सेम चीज ही पढ़ाई होगा। एनएमसी ने उसका गाइडलाइंस और रूल्स और बना के रखा, इस दिन ये पढ़ाई होना है, उस दिन वो पढ़ाई होना है। तो हर कॉलेज में वो सेम है, एकेडमिक्स हर कॉलेज का सेम है। बट पीआरएम में सीनियर्स एक बैच ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा हैं, तो एकेडमिकली हमारा थोड़ा सा ज्यादा बेटर क्वालिटी है देन एफएम फॉर नाउ। सेकंड पॉइंट कम तक क्लिनिकल एक्सपोजर। तो क्लिनिकल एक्सपोजर में पीआरएम और एफएम दोनों का हॉस्पिटल बहुत दूर है। अभी तक दे डोंट हैव देयर ओन हॉस्पिटल। इवन कोई भी उड़ीसा में नया मेडिकल कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल नहीं है। पीआरएम और एफएम दोनों का कॉलेजेस का कंस्ट्रक्शन चालू है। पीआरएम का एक साल नेक्स्ट ईयर नवंबर में बन जाएगा और एफएम का भी जनवरी तक बन जाएगा नेक्स्ट ईयर, मींस 2023। पीआरएम का 2022 नवंबर तक स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल दोनों का दूर है, सब बस में जाते हैं एंड यू कैन गो बाय योर ओन मीन्स आल्सो। अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर में आपको दो चार जगह लेके जाएंगे हॉस्पिटल विजिट और विजिट, और वहाँ आप कुछ इंटरेक्ट नहीं करने वाले, आप बस देख के आओगे कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। तो सेकंड ईयर से आप जाओगे अपने क्लिनिकल वार्ड्स, तो वहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर दोनों में लगभग बराबर मिलने वाला है, क्योंकि दोनों का हॉस्पिटल एक साथ अपने कॉलेज के साथ ही बन रहा है। नेक्स्ट कम्स द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। एफएम का जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ न्यूली रिनोवेट हुआ है एंड क्लीनिंग एंड हाइजीन बहुत अच्छा है। मगर पीआरएम का मैं खुद देखा हूँ, द हॉस्पिटल इज लिटरली ओवरक्राउडेड, इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, इतना भीड़ होता है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को लिया गया पीआरएम में, तो वो बहुत फेमस है और इक्विपमेंट्स भी इतने अच्छे नहीं है, इतने सस्टेनेबल नहीं है। जब ये नया हॉस्पिटल बनेगा तब पीआरएम विल बी डेवलपिंग वे बेटर, तो इसमें एफएम इज बेटर। नेक्स्ट कम्स द पेशेंट इनफ्लो। पेशेंट इनफ्लो डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस। बालेश्वर का पॉपुलेशन है ठीक ठाक, उसका पेशेंट इनफ्लो भी ठीक ठाक है, मगर जो बारीपदा है इट्स लोकेटेड इन मयूरभंज। मयूरभंज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, तो यहाँ पे जो आदिवासी पॉपुलेशन है वहाँ पे बहुत ही सारे एरिया से आदिवासी पॉपुलेशन के लोग आते हैं पीआरएम मेडिकल कॉलेज में। लगभग झारखंड से, बंगाल से, मयूरभंज से एंड द एडजेसेंट एरिया बहुत ही ज्यादा पेशेंट इनफ्लो है पीआरएम में। एफएम में भी ठीक ठाक है क्योंकि वो भी बॉर्डर एरिया है, बालेश्वर है, अच्छा टाउन है, बेटर रिनोन, वहाँ भी पेशेंट इनफ्लो ज्यादा है। मगर पीआरएम का ओवरलोड है पेशेंट, मतलब बेड्स नहीं है, बेड्स इनसफिशियंट है पीआरएम में फॉर द पेशेंट। इतने सारे पेशेंट्स आते हैं डेली, हम वार्ड जाते हैं, वी सी द पीपल, बहुत सारे लोगों को नीचे भी रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी। तो जो नया हॉस्पिटल होने वाला है पीआरएम का, दैट इज गोइंग टू बी ए 650 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल। एफएम का भी शायद सेम 650 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल होने वाला है इन वाले। नेक्स्ट इज हॉस्टल अकोमोडेशन एंड एनवायरनमेंट। तो भाई पीआरएम और एफएम दोनों का, मतलब दोनों का हॉस्टल और एनवायरनमेंट एकदम सेम है, मतलब दोनों का बिल्डिंग, दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों का कंस्ट्रक्शन जो किया है एलएनटी, सब एकदम सेम टू सेम बना, एकदम कॉपी पेस्ट। खाली उनका नाम फकीर मोहन है, हमारा नाम पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज, पूरा सेम टू सेम है बिल्डिंग। और एफएम का थोड़ा सा मेंटेनेंस ज्यादा है, बेटर है कंपेयर टू पीआरएम। पीआरएम में मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था हमारे कॉलेज में, वो स्ट्राइक के बाद फाइनली हम लोग का कॉलेज में मेंटेनेंस अच्छे से होने लगा है। अभी कॉलेज एकदम साफ सुथरा हो गया है और बहुत ही अच्छे से मेंटेनेंस हो रहा है। पीआरएम रिनोवेट भी हो रहा है, जहां जहां दिक्कत था सब कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और हॉस्पिटल होने के टाइम सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा ऑब्वियसली। पीआरएम का हॉस्टल ऑलरेडी ओवरलोड हो चुका है भाई, इतना स्ट्रेस है यहाँ पर। और एफएम में हॉस्टल का, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स कम, उनका हॉस्टल अभी तक ओवरलोड नहीं हुआ है, उनको पर रूम दो दो स्टूडेंट दिए गए, और हमारे पर रूम में हम लोग थे तीन स्टूडेंट, हमारे जूनियर्स थे चार चार स्टूडेंट्स पर रूम। मगर एफएम में अभी स्टूडेंट पॉपुलेशन, स्टूडेंट लोड कम, उनका एकोमोडेशन इज बेटर देन पीआरएम, और उनका मेंटेनेंस वगैरह भी बेटर देन पीआरएम है, और अपना चल रहा है, इट्स डेवलपिंग। जब हमारे कुछ नहीं था अभी बहुत कुछ हो गया, अगर मैं जब लिटरली आया था तब यहाँ पे रास्ता भी नहीं बना था जब सामने का था, और अभी बहुत कुछ हो गया यहाँ पे डेवलपमेंट, सो इट्स
एक्चुअली गुड टू सी माई कॉलेज ग्रो. सो द नेक्स्ट इज मार्केट एसेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन. तो मार्केट एक्सेसिबिलिटी सबसे अच्छा बालेश्वर में. ऑनेस्टली बालेश्वर का मार्केट एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छा है. उनका हॉस्पिटल मार्केट में ही लोकेटेड है, तो उनका मार्केट एसेसिबिलिटी बस 3 किलोमीटर दूर है मार्केट उनका. और हमारा मार्केट एसेसिबिलिटी बहुत खराब. ऑनेस्टली आपको एक मेडिकल कॉलेज में रहते हुए भी कभी कभी पेरिफेरी वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि इतना आइसोलेटेड जगह है पीआरएम मेडिकल कॉलेज. यहाँ पे कुछ नहीं है, दूर दूर तक देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जंगल, नेचर, ग्रीनरी, पानी वानी है, मगर लोग नहीं दिखेंगे आपको. लोग बस हॉस्पिटल कॉलेज के अंदर दिखेंगे. फिर जाएंगे आप यहाँ से, आपको मिनिमम 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा फॉर द मार्केट. दुबई पता का टाउन है, इतना दूर है मार्केट, एंड आपको बेसिक चीज़ों के लिए भी आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा और उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है. मगर जो बालेश्वर का कॉलेज दैट इज लोकेटेड इन द मार्केट, से टाउन बहुत पास है, तो उनका एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छा है कंपेयर टू पीआरएम मेडिकल कॉलेज. नेक्स्ट कम्स द लैब फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स एंड कैडर. तो भाई पीआरएम में और एफएम में सेम है, मतलब लैब सेम है, इंस्ट्रूमेंट्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, मगर उनके स्टूडेंट लोड थोड़ा कम है. अपना स्टूडेंट लोड थोड़ा हाई, तो अपना जो स्टूडेंट लोड है हमारे इक्विपमेंट्स के लिए स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा हैं, उनके थोड़े से कम है. उनको 2 कैडावर मिलता है, हमारा फॉर 125 पीपल वी गेट 1 कैडावर. एक्चुअली हमारे पास 3 कैडावर आते हैं, मगर एचओडीज कुछ बैकअप या कुछ सोच समझ के हमको एक ही कैडावर देते, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो या डिस्ट्रॉय हो गया वो कैडावर, तो दूसरा बैकअप का तरह यूज़ किया जाए. तो बेसिकली आपको दोनों में ऐसे डिसेक्ट करने का उतना मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो बायलेटरल ऑर्गन्स है वही वो टीचर्स आपको दे सकते हैं, जैसे हैंड्स एंड लेग्स, अपर एंड लोअर लिम्स आपको दे सकते हैं डिसेक्ट करने के लिए. वो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको लेना चाहिए इंटरेस्ट ऑब्वियसली. और मैंने अपने वाइफ में पहली बार किया था डिसेक्शन, मेरे को याद है, आई फील हैप्पी. आपका जब भी याद आता है तो पहला डिसेक्शन मैंने ही किया था अपनी वाइफ. बाकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय द कैडावर. बाकी जैसे मतलब जो पुराने कॉलेजेस हैं वहाँ पे फॉर 250 स्टूडेंट्स देर आर 4 कैडावर और 5 कैडावर, तो उस हिसाब से ग्रुपिंग होता है, डिवाइड होता है. तो हर जगह कैडावर कम है, स्टूडेंट लोड ज़्यादा है, तो इट्स एक्चुअली बिट डिफिकल्ट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. ये हर जगह अगर सेम है, ये कोई डिफरेंस नहीं है. मगर एफएम में 2 कैडावर मिलते हैं, पीआरएम में 1 कैडावर मिलता है. चल रहा है अभी, आई होप यहाँ का रिकॉग्निशन बढ़ेगा पीआरएम का, एंड इट विल गेट बेटर नंबर ऑफ कैडावर्स. और धीरे धीरे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं पीआरएम के, लोग इसको जान रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है पीआरएम के बारे में डेवलप करता हुआ देखा. अगर आप मेरे से पूछो कि मैंने एफएम क्यों नहीं चूज़ किया, जब मैं आया था 2019 बैच, एफएम में चॉक डस्टर भी नहीं था पढ़ाने के लिए. मतलब हमारे जो सीनियर थे वो लोग बता रहे थे कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे, एकदम ब्लैंक. पीआरएम में एटलीस्ट 2 बैचेस थे, तो उन्होंने थोड़ा सा स्टेबलाइज और एक लेवल बना दिया था कॉलेज का. अभी देखना धीरे धीरे एफएम बहुत आगे बढ़ जाएगा, और उसका कट ऑफ पिछले साल पीआरएम से हाई चला गया बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, क्योंकि उसका एक्सेसिबिलिटी अच्छा है और वो धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा, और पीआरएम भी उसके साथ ग्रो करने वाला है बहुत. नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑफ द कॉलेज. जो पीआरएम मेडिकल कॉलेज बारीपदा है, दैट इज लोकेटेड इन अ वेरी आइसोलेटेड प्लेस, जो टाउन से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है. और जो बालेश्वर का एफएम मेडिकल कॉलेज है, दैट इज लोकेटेड प्रॉपरली इन रेमुना गोली. रेमुना मतलब एक बहुत ही बड़ा नोन एरिया है, जो बालेश्वर है लोग देखु थे वीडियो से जानते हुए रेमुना का को एरिया, तो से पाखरे ही अच्छी बालेश्वर एफएम मेडिकल कॉलेज. एंड द मार्केट इज जस्ट 3 किलोमीटर फ्रॉम देयर कॉलेज. हमारे कॉलेज से द मार्केट इज 7 किलोमीटर, तो मार्केट मेन मार्केट 10 किलोमीटर है, बाकी दुकान वुकान शुरू हो रहा है. नेक्स्ट कम सेमिनार ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क. सेमिनार दोनों कॉलेजेस में बराबर होते हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी होते हैं और बहुत कुछ होते हैं, मगर रिसर्च स्टार्ट नहीं हुआ है, वो शुरू होगा दोनों कॉलेज में आफ्टर पीजी. तो रिसर्च नहीं होता सीधी बात, कोई भी नई मेडिकल कॉलेज में नहीं होता. पुराने एस सी बी एम के सी जी बुल्ला में होता है, बिकॉज देयर ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस में पीजी है, दे हैव टू डू द रिसर्च. उनको थीसिस देना पड़ता है और फिर ही वो पीजी पास होंगे. हम लोग का पीजी शुरू नहीं हुआ है, तो रिसर्च भी शुरू नहीं हुआ है, और फ्यूचर डेवलपमेंट में हो सकता है शुरू. सो बट इट इज़ गोना टेक लॉट ऑफ टाइम. पहले यूजी का हॉस्पिटल हो जाए, फिर पीजी के बारे में सोचेंगे लोग यहाँ पे. नेक्स्ट कम्स लाइब्रेरी एंड मेस क्वालिटी. तो लाइब्रेरी पीआरएम और एफएम का सेम है, वहाँ पे लाइब्रेरी रात को 10 बजे तक खुला रहता है, और हमारा भी रात को 10 बजे तक खुला रहता है. हमारा एक्चुअली 2 फ्लोर में लाइब्रेरी है, 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर. 3rd फ्लोर का लाइब्रेरी खुला नहीं था, और अभी रिसेंटली खुल गया है. और एफएम का भी नियरली सेम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेम होने वाला है. तो लाइब्रेरी और स्टडी रूम भी 10 बजे तक खुलता है, वहाँ भी सेम. लाइब्रेरी में आपको हर एक बुक्स, मेडिकल बुक्स मिल जाएंगे, इवन आपको जर्नल्स मिल जाएंगे, जो रिनाउंड जर्नल्स, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे. बहुत कुछ बुक्स आपको मिलने को मिल जाएगा, और वो बहुत ही बड़ा एरिया. और लाइब्रेरी पीआरएम का और भी बहुत सारे बुक्स आ सकते हैं, इतना सारा रैक खाली है. ऑब्वियसली फ्यूचर डेवलपमेंट बहुत सारे बुक्स आएंगे और भी, बट इट्स गुड, लाइब्रेरी इज गुड. एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स. तो जो पीआरएम और एफएम है, दोनों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नियरली सेम है. सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किया जाता है हर एक कॉलेज में. एफएम में थोड़ा सा रिलेटिवली कम था हमारे कॉलेज से, क्योंकि उनका मैंने पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि सीनियर्स थोड़े कम थे, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा कम था, मगर वो बहुत ही अच्छे लेवल पे आ रहे थे
ईयरएम का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भाई, इतने सारे फंक्शन होते हैं, इतने सारे इवेंट्स होते हैं। इवन आज मैं जब वीडियो डाल रहा हूँ, आज सुबह ही ब्लड डोनेशन कैंप था हमारे कॉलेज में, अभी फ्रेशर्स गया है अपना, उससे पहले एनुअल डे गया है, अभी फेयरवेल भी आने वाले हैं सीनियर्स का, फिर उसके बाद एनुअल स्पोर्ट्स, एनुअल ड्रामा, बहुत कुछ कल्चरल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भाई बहुत है मेडिकल कॉलेजेस में। पीआरएफ में बहुत ही ज़्यादा है, एफएम में भी ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है, फिर भी मेरे दोस्त ने बोला कि लगभग सेम है सब कुछ, तो इट्स गुड। इस वीडियो में मैं बायस नहीं हुआ हूँ, आई होप सो बायस्ड होकर आपको कुछ जजमेंट नहीं बताया, जो बेटर है वो बेटर है, जो खराब है वो खराब है, तो आप इससे खुद जज कर सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। मैं अगर आपको एक चॉइस देना चाहूँ तो आप पुराना कॉलेज भी प्रीफर कर सकते हैं, दैट इज पीआरएम, और आप अच्छा कॉलेज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन भी चूज कर सकते हैं, दैट इज एफएम। टीचर्स, स्टूडेंट्स, सब हर कॉलेज में अच्छे होते हैं। जो नए कॉलेजेस हैं वहाँ के टीचर्स आप पोस्टेड फ्रॉम सेम एमकेसीजी, एससीबी एंड बुर्ला, तो वही प्रोफेसर्स सब आते हैं यहाँ पे, उनका पोस्टिंग होता है, तो आपको टीचर्स, फैकल्टीज और स्टडीज़ के बारे में इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस टेंशन लेना है तो टेंशन लेना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन और कम्युनिकेशन का, क्योंकि अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है हर एक चीज़ में इन पीआरएम मेडिकल कॉलेज बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और इन 2 or 3 years ये जगह पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। जब हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाएगा तो ये जगह पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जब तक हम इंटर्नशिप कर रहे होंगे तब तक पीआरएम विल बी अ वे बेटर प्लेस देन इट इज़ नाउ, और मतलब वी आर डेवलपिंग, सारे कॉलेज डेवलप कर रहे हैं। चॉइस इज योर्स, मेरे को आपको बस सच्चाई बतानी थी, मैंने बता दी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। And that's all for today, guys. Thank you so much. This is Tanmesh Khanaga, the Medico Blogger, signing off. Tata, bye-bye.